एक्स्ट्रा टाइम। हेलो एंड वेलकम टू एक्स्ट्रा टाइम। मैं हूँ राजुल शर्मा फैंस इंडिया की तरफ से। आज बात करेंगे सेकंड ओडीआई की जो इंडिया हार गया है एससीजी के बाद। जैसे आप देख सकते हैं एकदम वीराना सा छा गया है, फैंस चले गए हैं, मेजॉरिटी अगेन ग्राउंड में इंडियन फैंस थे, काफ़ी निराश फैंस थे। पहला मैच इंडिया हारी, उम्मीद थी कि सेकंड मैच में इम्प्रूव होगा। सेकंड मैच में अगर हम बॉलिंग और फील्डिंग की बात करें और ज़्यादा ख़राब हो गई बात, तो बात बद से बदतर होती गई। उम्मीद यही है कि तीसरे मैच में अब टीम बाउंस बैक करेगी और T20 सीरीज़ एटलीस्ट जीत जाएगी। मुझे पर्सनली लगता है कि ये टीम T20 काफ़ी अच्छा खेलेगी। अगर हम बैटिंग की बात करें तो इंडियन टीम की बैटिंग चल रही है, जितना स्कोर उन्हें चेज़ करना है वो पॉसिबल नहीं होता है सेकेंड बैटिंग करते हुए एससीजी में। जैसे कि कल मैंने आपको अपडेट पे बताया था कि एससीजी में टॉस जीत के पहले बैटिंग करने पे अगर आप स्कोर अच्छा बना देते हैं तो आपके विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसका डर था वही आज हुआ। इंडिया टॉस हार गया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 40 डिग्री प्लस था, इंडियन बॉलर्स ने स्ट्रगल किया, काफ़ी ज़्यादा रन दिए, फील्डिंग में प्रॉब्लम हुई, और ये सब हीट वेव की वजह से ही होता है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। अब इंडिया के दर्शक आप सब सोच रहे होंगे कि 40 डिग्री इंडिया में भी खेलती है इंडियन टीम, 40 डिग्री ज़्यादा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के 40 डिग्री बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। यहाँ सूरज काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी आज, और हवा इतनी तेज़ थी कि बॉल को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। तो ओवरऑल इस सारी चीज़ ने बॉलिंग टीम की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डाला, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया टॉस हार गया और उन्हें बॉलिंग करनी पड़ी। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज के दो कारण, टॉस हार गए, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा रन बनाया, इंडिया की बॉलिंग और फील्डिंग उसको इम्प्रूव होने की बहुत ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं लगता है कि टीम सिलेक्शन में भी थोड़ी बहुत कमी रह गई। इस टीम के पास वो सारी रेसिपी है कि एक जीत प्रोड्यूस की जा सके, बट कुछ ना कुछ मिसिंग है, और वो जो कुछ ना कुछ है वो एक ऑलराउंडर है। आज हमने देखा कि 7 बॉलर्स का इस्तेमाल हुआ, बट वो इम्पैक्ट नहीं आया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखें, उन्होंने टाइट रखा, कंटेन किया, और जैसा आपको कल बताया गया था कि सब कुछ टॉस के ऊपर डिपेंडेंट था। टॉस जीते हैं आप, फ्लैट विकेट थी, विकेट में ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़ा स्कोर बनता है तो ऑटोमेटिकली सेकंड बैटिंग करने वाली टीम पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। और अगर आप एससीजी का रिकॉर्ड भी दिखा के देखें तो उसमें यही होता है। इतना लंबा स्कोर चेज़ करना, रिकॉर्ड बनाना एससीजी में इतना आसान नहीं था टीम इंडिया के लिए। तो उम्मीद अब यही करते हैं कि मोनोका ओवल में इंडिया टॉस जीते, पहले बैटिंग करे, और वो ग्राउंड भी काफ़ी छोटा है, तो देखने वाली बात है। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारी बॉलिंग को। बॉलिंग में काफ़ी रन जा रहे हैं, सारे प्लेयर बहुत ही ज़बरदस्त हैं, एक्सपीरियंस हैं, बट कुछ मिसिंग है अभी टीम में। और होप यही करते हैं कि अगले वनडे में इंडिया जीते और कॉन्फिडेंस के साथ T20 सीरीज़ में जाए, जहां पर इंडिया के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के। तो मैं राजुल शर्मा फैंस इंडिया की तरफ से अपडेट लेके आता रहूँगा आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम पे। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Xtra Time.